सिंघिया में आशा कार्यकर्ता का आज चौथा दिन अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड स्थित सिंघिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज आशा कार्यकर्ता का चौथा दिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम जारी रहा, जिसकी अध्यक्षता आशा फैसिलिटेटर सुधा कुमारी ने की है। उक्त कार्यक्रम में शामिल सभी आशा कार्यकर्ता ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के विरुद्ध नारेबाजी करने का काम किया है। जो है धरना दिया गया, कितने दिन से धरना पर बैठे हुए? हम लोग 12/7/2023 से धरना में हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। हमारी 9 सूत्री मांग था जो कि सरकार को हमने, ये धरना कार्यक्रम जिला स्तर के है कि बिहार लेवल के? राज्यव्यापी है, राज्यव्यापी है। अभी तक सरकार का नींद नहीं खुल रहा है क्या? जी नहीं, हमने 22/6/2023 को ही सीएस एक प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन किए ताकि प्रभारी हमारी बातों को सीएस तक पहुंचाए, लेकिन प्रभारी ने हमारे बातों को नजरअंदाज किए। उसके बाद मैंने 4/7/2023 को सीएस के यहाँ घेराव दिए और अपनी मांग को सुपुर्द किए और सीएस को बताए कि हमारी मांग को राज्य तक भेजा जाए, स्वास्थ्य मंत्री तक, राज्य सरकार तक भेजा जाए, लेकिन सीएस ने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिए। तब हम उनको चेतावनी दे चुके थे जो इस बात को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो 12/7/2023 से आशा का अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा और स्वास्थ्य सेवा ठप रहेगा। हम लोग को आशा से संबंधित जितना भी काम है वो काम हम लोग अभी नहीं करने देंगे जब तक हमारी मांग को सरकार सुन नहीं रहे हैं। 4 दिन हो गया है अभी तक कोई हम लोगों को सुनवाई नहीं है, तो हम लोग भी ठाने हुए हैं कि इस बार सरकार को झुकना पड़ेगा। ऐसे सरकार को हम लोग बदल देंगे जो सरकार आशा की बात को नहीं मानते हैं, वो सरकार हम इस बार वो सरकार को गिरना होगा। क्या नाम है? मेरा नाम सुधा कुमारी, आशा फैसिलिटेटर है प्रखंड मंत्री के रूप में सिंघिया पीएचसी। बंद करो।